आप सभी का आज की इस नई वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ रीसेंट की ही एक बड़ी खबर आपके समायोजन से रिलेटेड साझा करेंगे, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख लें कि सदन में कहा कि 38,878 किया जाए शिक्षा मित्रों का मानदेय। किनके द्वारा ये बातें कही गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी जानकारियां आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, जिसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं कि बिजनौर सांसद ने उठाया शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का मामला। दरअसल ये खबर क्या है आप एक बार देख ले। बिजनौर सांसद मलूक नागर ने देश के संसद में उत्तर प्रदेश के सभी 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय डबल करने की मांग की। उधर इससे शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर है। संसद में शून्यकाल के दौरान बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में कहना है, वर्ष 2015 में इनकी तनख्वाह 38,500 रुपए थी और वर्ष 2017 में कानूनी हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इनको हटा दिया गया। इसके बाद फिर शिक्षा मित्रों के नाते इनको लगाया गया। इनकी तनख्वाह मात्र 10,000 रुपए रखी गई। तब से अब तक यदि सरकार की बढ़ी हुई महंगाई माने तो भी वह कम से कम मानदेय डबल बैठता है। दूसरे साथी जिस तरह से पढ़ाते हैं ये भी उसी तरह से ये शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं और उतना ही टाइम लगाते हैं। शिक्षकों को 60,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिलती है। सांसद मलूक नागर ने सरकार से यह मांग की कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और दूसरे शिक्षकों के बराबर की जाए। दरअसल ये क्लिप मैंने कल आप सभी को सुबह वीडियो में अपलोड करके दिखाई थी, जहां पर आपने देखा होगा कि इनके द्वारा जो मांगे हैं वो संसद में उठाई गई और कल की ही डेट में ये सूचनाएं आपके साथ प्रसारित हुई। लेकिन मैंने सोचा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आनी चाहिए ताकि आप सभी को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आपके जो मांगे हैं विधानसभा हो संसद हो सभी जगह पर आपकी जो मांगे हैं वो गूंज रही हैं और आगे भी इसी प्रकार से कार्य होते रहेंगे। लेकिन आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।